रानी कुमारी का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बिंदा देवी की हालत बहुत ही खराब है, उनके दोनों पैर का कुल्हाड़ टूट गया है। वही 8 वर्षीय बच्ची शिवानी कुमारी के सिर पे गहरी चोटें लगी हैं। शराबी युवक भी गंभीर रूप से जख्मी है। डीएमसीएच में भी पुलिस की अभिरक्षा में उपचार किया जा रहा है। जिस महिला उर्मिला देवी का मौत हुआ है, उनके परिवार के ऊपर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले पति की मौत और बाद में बीमार बेटे को लेकर किसी तरह से सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा कर रही उर्मिला देवी की मौत के साथ ही पूरा परिवार उजड़ गया। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में एक शराबी युवक ने 3 महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दी। महिलाओं को ठोकर मारने वाला शराबी युवक भी बेलवा गाँव का ही रहने वाला है। वह सुनील कुमार झा का पुत्र आदित्य झा है। उसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। घोघड़िया थाना पुलिस ने अभी गांव से अपनी ही बहू के अपहरणकर्ता आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को फुलबड़ा थाना क्षेत्र के कोनार गांव निवासी मोहम्मद समसूल अपने विवाहित बहन मोबीना खातून का ससुराल अभी गाँव से पति मोहम्मद निजाम, सास सबनम खातून, ससुर मोहम्मद मुमताज और मोहम्मद सद्दाम के द्वारा गायब कर देने का आरोप प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि विवाहित 22 फरवरी से ही अपने ससुराल से गायब है। भाई ने बहन के ससुराल वालों पर बहन को अगवा कर हत्या कर दी की आशंका भी जताई। थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि पुलिस अपहरणकर्ता के भाई द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। इसी कड़ी में आरोपी सास और ससुर को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राम हरिहर मेहरा, अंजनी सिंह, युगल रविदास, राम विलास राम,
आयोजित समारोह में उपस्थित लोगों ने संत रविदास के कई चित्र पर माल्यार्पण पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लोगों के द्वारा संत की पूजा अर्चना और आरती भी की गई। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास गुरु हैं, समृद्ध समाज बनाने की प्रेरणा देने वाले सुविचार भक्त सभी के लिए प्रेरणा पद है। मन की पूजा, मन की धूप, मन की छाप, सहज स्वरूप, मन चंगा तो कठोती भी गंगा समेत उन्होंने आपसी भाईचारा प्रेम सद्भाव पीड़ित जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संदेश दिया है, जिसे अपनाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का भी सभी ने संकल्प लिया। आज जयनगर जदयू प्रखंड इकाई की एक बैठक स्टेशन रोड स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय में नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70वां जन्म दिवस पर जदयू परिवार के द्वारा पूरे राज्य में 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाए। उपस्थित जदयू कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह को जयनगर जदयू का दोबारा प्रखंड अध्यक्ष बनाने पर बधाई। लखनौर प्रखंड के दीप गाँव में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के समीप कबीर के अनुयायी जगदीश साहू के निजी जमीन में कबीर मंत्र के संत दिलीप दास के द्वारा कबीर भवन का शिलान्यास किया गया। देकर अपने खर्चे से कबीर भवन का निर्माण करवा रहे हैं। इस मौके पर कबीर भवन के निर्माणकर्ता श्री साहू के द्वारा संत सम्मेलन और साधु भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा बिसहरिया के संत दिलीप दास को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। गुरुद्वारा बिसहरिया के संत दिलीप दास ने संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक है। मानव कल्याण के लिए संत शिरोमणि कबीर साहेब द्वारा बताए गए मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। कबीर के विचारों को जन जन तक पहुँचाकर मानव कल्याण संभव है। कबीर मत के अनुयायियों को सदैव कबीर साहब के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। इधर दीप गांव में कबीर भवन निर्माण होने से कबीर के अनुयायियों में काफी हर्ष है। मौके पर ध्यानी प्रधान अरुण महतो, मोहन महतो, सूर्य नारायण साहू, मनीष यादव सहित काफी संख्या में कबीर के अनुयायी मौजूद थे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसोनी उत्तरी पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर में शनिवार को संत शिरोमणि रविदास का 644वां जन्म शताब्दी दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सुनील कुमार राम ने की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अम्बेडकर विकास समिति परसोनी के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 644वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें रविदास परिवार के तमाम महिला, बुजुर्ग, छात्र, नौजवान ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समिति के अध्यक्ष सुनील राम ने जन्मोत्सव के मौके पर संत गुरु रविदास जी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि गुरु रविदास कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के संत नहीं थे। उन्होंने पूरे विश्व को शांति सद्भावना का पैगाम दिया। मन चंगा तो कठोती में गंगा जैसे कितने कहावत को उन्होंने चरितार्थ किए। समिति के सचिव गणेश राम ने बताया कि संत गुरु रविदास रविदास समाज के मार्गदर्शक एवं सच्चे गुरु थे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 48वीं वाहिनी जयनगर द्वारा कोरोना काल में लगातार सामाजिक चेतना अभियान चलाकर वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गनगौर एवं पिपरौन SSB कैंप के जवान ने कई गांव में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SSB जवानों ने अखराहा घाट, केरवा, पनसलवा, गनगौर, फुलहर समेत कई गांव में 150 लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव, सैनिटरी पैड का वितरण किया और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूक किया। गनगौर SSB के कैंप इंचार्ज असिस्टेंट कमांडेंट मधु राम चौहान ने बताया कि सीमा सुरक्षा के अलावे SSB के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सामाजिक चेतना अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत क्षेत्र में कई गांव में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर अखराहा घाट व फुलहर व पिपरौन कंपनी इंचार्ज सहित दर्जनों जवान मौजूद थे। आज उत्तराखंड प्रखंड के उत्तम ग्राम ननौर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में मुख्य स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी एवं उनकी टीम के साथ डॉक्टर साकिब, डॉक्टर सार्थक, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर आश्रम, डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ अन्य मेडिकल टीम, संस्थान के प्रबंधक सारिक चौधरी ने लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं दवाओं का मुफ्त वितरण किया। यह शिविर राष्ट्रीय मृदा विकास संघ एवं हेल्थ फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।
क्वालिटी, हर एक में क्वालिटी होती है। तो कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, आगे पहुंचाना, आपका आशीर्वाद उनके सर पे रहेगा। तो हो सकता है प्रभुनाथ जी आपके लिए, आपके नाना किसके लिए, मधुबनी के लिए, बिहार के लिए, भारत के लिए आपके आशीर्वाद से कुछ करें, है ना। क्योंकि देखो मैं भी गांव से हूँ, मैं भी जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का भी पढ़ाया था, लेकिन जब लोग वहाँ पे देखते हैं तो गाँव का बच्चा होना इतना बड़ा डॉक्टर है दिल्ली में, तो होते मैं गाँव का ही। आप लोगों के मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद उनके सर पे रहे और ये कुछ करें तो उसको प्रोत्साहित करें, एनकरेज हिम कि कुछ वो अच्छा करें, और यहाँ के लिए जो काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आप उनको एक तो शाबाशी भी दें और दूसरा आशीर्वाद दें, और उनकी हिम्मत बढ़ाएं, अफजाई बढ़ाएं, और आपके आशीर्वाद प्यार से उनको भी जो इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। राष्ट्रीय मिथिला विकास संघ एवं हेल्प फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट सेवाओं में समानता की मांग के साथ काम कर रही है। बोकारो झारखंड में 300 बेड क्षमता का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर तक पूर्ण हो रहा है। संघ ऐसा ही एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिथिला में भी बनाने की योजना बना रही है। इस अवसर पर हेल्प फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के महासचिव सुधीर कुमार, सुप्रसिद्ध गायक देवानंद झा, रुद्रपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार, एएसआई अशोक कुमार, शिक्षा के डॉक्टर जयानंद मिश्र, सोमन झा, सुजीत कुमार, विनीत सौरभ, प्रोफेसर अभिनाथ झा, गुलाब चंद्र चौधरी, शिवम झा, संदीप चौधरी, पंडित चंदन चौधरी, हेमंत, अंकित, धीरज, अभिषेक, विश्वनाथ आदि उत्साही युवाओं का सहयोग दे रहा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। नमस्कार।